यूट्यूब के ऊपर जो ऐसे लोग आते हैं ना कि एक महीने के अंदर मैं आपको पैसे वाला बना दूंगा, यूट्यूबर बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको खुद को साले बेवकूफ़ आदमी को कम से कम 5 से 6 महीने का यूट्यूबर बनने में टाइम लगता है, वो नॉर्मल टाइम है। यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब चेक करता है कि वास्तव में यूट्यूब के ऊपर काम करने के लायक ये आदमी है भी या नहीं है। सब चीज़ों को चेक करने के बाद में उसे आगे भेजता है कि हाँ यार वास्तव में ये आदमी यूट्यूब पर काम करने के लायक है। अब जब यूट्यूब के ऊपर इतने सारे वीडियोज़ पड़े हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां पड़ी है जो कि म्यूजिक कंपनियां भी हो सकती है और अन्य न्यूज़ चैनल्स भी हो सकते हैं और उसके अलावा मूवीज़ चैनल भी हो सकते हैं, इतने सारे उसके पास ऑप्शन है, उसके बाद में आपको ऐसे ही थोड़ी वायरल कर देगा। वो देखेगा कि आपका डायरेक्शन टाइम क्या चल रहा है वीडियो का, लोग देख रहे हैं तो आपकी वीडियो को कितना देख रहे हैं, इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या है आपकी, यानी आपने जो थंबनेल यूज किया है अभी तक के वीडियो में उसके अंदर कितने लोगों ने आपके वीडियो को देखा है। यानी 1 से 2% लोग ही आपके वीडियो को देख रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। यानी 10 लोगों के पास भेज रहा है, एक आदमी देख रहा है, 10% इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट आ रही है, कोई बात नहीं है, सही है। लेकिन 100 में फेंक रहा है, 1% भी आपकी इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट अच्छे से नहीं आ रही है, तो फिर यूट्यूब क्या करेगा कि आपकी वीडियो को वायरल करना बंद कर देगा। तो ऐसी स्थिति में जो बोलते हैं ना एक महीने के अंदर पैसे वाला बना दूंगा, आपकी यूट्यूब की अर्निंग चालू करवा दूंगा, कुछ नहीं होता है ऐसा। यूट्यूब अपने हिसाब से ही अर्निंग चालू करता है, आपकी ऐसे अर्निंग चालू नहीं करता है। तो ऐसे चोचले करने वाले लोगों को सबसे पहले डिसलाइक कर दिया करो, उसके बाद में उसके वीडियो को देखा करो कि कोई चीज़ अगर सही बता रहा है तो उसको खींच लो, क्योंकि ज्ञान जितना भी मिले ना उसको ग्रहण करना चाहिए, अज्ञानता को टाल दो।